अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं, उसको हम कभी नहीं बताए कि आप उसके पिता। पर क्यों क्यों नहीं बताया? बाबू, हम अपना जिंदगी में ही इतना उलझे हुए थे कि हम नहीं चाहते थे कि कोयल अपनी जिंदगी में उलझे या उसकी जिंदगी में कोई उलझे, हम नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं बताया। जब कोयल को पता चलेगा कि हम उसके पिता है तो क्या वो हमको पिता कहकर बुलाएगी, अपनाएगी नहीं? अगर उसने हमको नहीं सिखाया तो आप उसके पिता है। हमारे हमारी कोयलिया के हीरो अंकल उसके पिता है, जान के ना नाचने लगेगी बाबू। और एक बार गोदी में आ गई ना तो फिर उतरने का नाम भी नहीं लेगी, देख लीजिए। अरे हम ही उतरने नहीं देंगे ना उसको, तू हमको भी नहीं जानती, हम भी जिद्दी। अरे बाप है उसके, एक बार हमारी गोदी में आ गई ना तो फिर देखना हम उसको कैसे चंदेल भवन में घुमा के थकाएंगे। देखना उसको जब भूख लगेगी ना तो अपने गोदी में बैठ के खिलाएंगे, कहानी सुनाएंगे। और अगर उसको नींद भी आएगी ना तो अपनी गोद में बिठा कर ही सुनाएंगे, लेकिन जाने नहीं देंगे उसको, चलने नहीं देंगे। 7 बरस का प्यार है को, 7 बरस का, अभी तो कितना प्यार बाकी है उसके हिस्से में, छोड़ेंगे नहीं उसको। हमारी बेटी है कोयल को, हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। इस पूरे शहर में यही एक सिविल हॉस्पिटल मिला था क्या राजीव को, उस गुहिया को लेकर जाने के लिए? अगर वहां पर उस गुहिया को नर्स ने पहचान लिया और ये बता दिया कि उस रात गुहिया ने 2 बच्चों को जन्म दिया था तो? मैडम, बच्चा, तुम बच्चे को छोड़ो, पैसे पे ध्यान दो। ओह माय गॉश, मम्मी जी, सच का पता चल गया है। मम्मी जी, सच का पता क्या, कैसे? अभी मम्मी जी, इंस्पेक्टर मंडल जी का फोन आया था, उन्होंने कहा जो चोर हमारे घर में घुसा था ना, उसे पुलिस इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया है। मम्मी जी, नानी याद दिला दी और ऊपर से पानी मांग रही है, बकलोल बुढ़िया। क्या हो गया, क्यों मार रही है आप उसे? एकदम ब्रेनलेस है यूकी भाई, जब खटारा स्कूटर, जब तक 10 किक मारो नहीं, स्टार्ट नहीं होती। लेकिन भी तो आप ही आई थी ना। खैर फालतू बात छोड़िए, हमारी बात सुनिए। वो आदमी जिसने कुकू को चाकू मारा था ना, वो पकड़ा गया। जैसा हंसनी चाहती थी वैसा ही हुआ। उसने पुलिस को यह बयान दिया है कि वो इस घर में चोरी के लिए आया था और घबराहट में उसने कुकू को चाकू मार दिया। जब तक हमें पता ना चले कि वो नर्स कहाँ है, वो कुकू से मिली या नहीं, तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। हमें जाकर देखना ही होगा। सब याद आ गया उनको। बोले बाबा का कृपा है, सब याद आ गया उनको। भोलेनाथ की कृपा अपरंपार। राजीव, जय मां भवानी। ये कैसी लीला है तेरी, अगर कुहू के साथ ये हादसा नहीं हुआ होता तो राजीव को कुछ याद भी नहीं आया होता। बाबा, कोयल, ओ, हमारी कोयल कहाँ?
आ रही बेटा, आ रही संजीव के साथ आ रही है। माई माई कोयल, कोयल हमको अपना पापा मानेगी ना? बिल्कुल मानेगी। बुआ जी, बुआ जी, कोयल हमको पापा कह के बुलाएगी ना? हाँ राजीव, हाँ कहेगी तुमको पापा, तुम पापा हो ना उसके, बुलाएगी, जरूर बुलाएगी। बुलाएगी कोयलिया। अम्मा, कोयल। अम्मा तुम ठीक हो ना? हम एकदम ठीक है। हमको ना तुमको एक बात बताना है। प्रॉमिस करो कि तुम ये बात तुम किसी को नहीं कहोगे, कनक को भी नहीं। क्या अम्मा? पहले चिंटू कुमार वाला प्रॉमिस कर। ओके, नहीं बताऊंगी किसी को भी, प्रॉमिस। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा कौन सा चीज है जो तुमको बहुत चाहिए? पर हमारे पास तो सब कुछ है। नहीं, सोच के बता कि ऐसा कौन सा चीज है तुमको कि बहुत 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 चाहिए तुमको? हाँ वासुदेव, वासुदेव माने? अरे कृष्ण भगवान के पापा वासुदेव, तुम भूल गई? तुमने तो वो कहानी सुनाई थी, कृष्ण कन्हैया के असली पापा वासुदेव। वो कृष्ण जी को गोकुल में छोड़कर चले गए। पता है कोयल, इनके दो पिता, एक वासुदेव और दूसरे नंद, एक ने इन्हें पाला और एक ने इन्हें जन्म दिया। मैंने जब कनक को देखा और उसके साथ उसके पापा को देखा तो मैंने भी सोचा अगर मेरे पापा मुझे छोड़कर नहीं जाते तो। कोयल, फिर अंकल आप रो क्यों रहे हैं? अम्मा तो ठीक है ना? प्लीज अंकल रोइए मत। हीरो अंकल, पापा, हम तुम्हारे पापा हैं। मेरे पापा? पर आप तो कनक के पापा हैं ना? हाँ, लेकिन हम आपके भी पापा हैं। हाँ कोयलिया, ये तुम्हारे पापा हैं, कृष्ण के वासुदेव पापा। को नहीं बेटा, हम आपके पापा हैं। बेटा सुनो ना, बेटा सुनो ना हमारी बात, हम हैं आपके पापा। पापा तुम्हारे पापा है। छोड़ो।
कोयल, I'm sorry बेटा। नहीं, आप मेरे पापा नहीं हो। अब ये मेरे पापा नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहती। कोयल ये तेरे पापा। मेरे पापा। मास्टर कोयल पापा को शौक लगा है उसको, छोटी है, तुमको धैर्य धरना पड़ेगा। बाबा को जी वक्त दो कोयल को समझने का, इस रिश्ते को, अंदर से जख्मी है बच्चा, उसको समझने का वक्त दो, जख्म भरने दो उसके। हाँ राजीव, हाँ बेटा, उसके मन में अपने पिता के लिए गुस्सा है, नाराजगी है, थोड़ा वक्त है उसे संभालने के लिए, देख लेना वो ठीक हो जाएगी राजी। एक्सक्यूज मी सर। जी डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। हाँ चलिए।